तो जी गाइस हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, आप लोग व्यू कर सकते हैं। इस मुकाम पर हम लोगों को जाना था और हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सख्त मुकाम है। रास्ते में ठहर ठहर कर आना पड़ता है। और आप लोग पीछे व्यू भी कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा नज़ारा है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। अल्लाह कुदरत बहुत ही माशाल्लाह शानदार, बहुत वसी है। हेलो अस्सलामु अलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है ठाक है बेटे पार्टी में देखा बुखारिया से हो गया बच्चा मलक। तो जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग अगले दरबार पर पहुंच चुके हैं, यानी कि हम लोग जहां पर हम लोगों को जाना था इमाम बरी सरकार पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम इसके सैर करते हैं, इसके मनाजर देखते हैं सारे तकरीबन। तो जी गाइस ये अल्हम्दुलिल्लाह से है, इसका दरबार का बाहर से नक्शा मुबारक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि इसका नक्शा आई थिंक बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी के नक्शे जैसा बनाया गया है। हम लोग अंदर चलकर देखते हैं वाकई ऐसा है कि नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं लग रहा है। इसके जो डाटे वगैरह हैं सब से इन बातों से मालूम हो रहा है कि ये वाकई ही आई थिंक मस्जिद नबवी का नक्शा ही लिया गया है। माशाल्लाह ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, यानी कि एक मज़ार को मस्जिद नबवी का नक्शा दिया गया। तो गाइस ये है जी इमाम बरी सरकार, यानी कि ये उनका दरबार है। ये आप लोग देख सकते हैं ये माशाल्लाह कितना खुला सीन है, और उसके अलावा इसके डिज़ाइनिंग कैसे की हुई है, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनिंग भी की हुई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माहौल भी बनाया हुआ है इन्होंने। हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे चलकर इसके और भी सैर करते हैं। दरवाज़ा माशाल्लाह बहुत बड़ा है, आगे चलते हैं। वो जी है उनकी कब्र मुबारक, ये उनका रोज़ा है, ये इनका रोज़ा है, और ये सारा खुला माशाल्लाह सीन है। ये इधर भी सीन, इधर सारा ये तकरीबन सीन ही सीन है। उधर से हम लोग आगे चलते हैं, हल्की हल्की बारिश भी आने लगी है। यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है इसलिए कोई पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए और कब क्या हो जाए। बाकी तो बाकी रहेगी, बाकी इसका जो नक्शा ही है वो ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, यानी कि बहुत ही दिलकश है, बहुत ही ज़्यादा हसी हैं। तो हम कब्र मुबारक पर चलते हैं, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं। तो ये जी रही उनकी कब्र मुबारक। रुको जरा, सबर करो। इसके अलावा यहाँ पर पर्दे का निज़ाम अलहदा किया हुआ, यानी औरतों का निज़ाम अलहदा है, लेकिन वो अटैच आकर इसी रोज़ा मुबारक से हो जाता है, यानी कि उनके कब्र मुबारक से ही हो जाता है आकर अटैच, ताकि औरतों को भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। और इसके अलावा बाकी ये नक्शा है इसका इतना प्यारा है जिसका हम लोग सोच भी नहीं सकते। पहले भी आपको बताया है कि नक्शा तो इसका माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, डाटे वगैरह बहुत ही ज़्यादा क्लीन सफाई से काम हुआ हुआ है।
तो यहाँ पर इनका रोज़ा मुबारक है, इनके चिला गाँव पर पहाड़ों के ऊपर है। अभी हम लोगों ने वहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर वो सामने पहाड़ देख सकते हैं, उनके ऊपर इनकी चिला गाँव है, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। मैं पहले आया तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि वो जो इनकी इनके चिला गाय है वो, यानी उनको उसका नज़ारा करने के लिए, उसको देखने के लिए बहुत ही मुश्किल उठानी पड़ती है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची है, तो इसलिए उस पर जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, ज़रूर जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोग इमाम बारी सरकार की चिला गाय पर जाने के लिए हो गए तैयार, और हम लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, मेरे माशाल्लाह भाई साहब जो हमारे साथ हैं वो भी थक चुके हैं और हम भी थक चुके हैं, अभी इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। अभी हम लोगों ने आधा सफ़र भी नहीं तय किया, हीरो भाई साहब हैं भागते भागते जा रहे हैं। बहुत ख़तरनाक रास्ता है। तो जी गाइस यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कभी धूप निकल आती है कभी बारिश होने लगती है, क्योंकि ये इलाका पहाड़ में आ जाता है, बिल्कुल ऊंचा इलाका आ जाता है। आप लोग ऊपर चलकर हम लोग भी देखेंगे यहाँ से, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी वो दोनों इकट्ठे नज़र आते हैं, उनमें फासला काफ़ी है, लेकिन वो दोनों इकट्ठे नज़र आते हैं। हम लोग इतना ऊपर चले जाएँगे, आप लोग देख सकते हैं बारिश की वजह से माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र बना हुआ है, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, बहुत ही ज़्यादा नक्शा है। ये काम अल्लाह कुदरत ही कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी का ये काम नहीं। कोई इतनी खूबसूरती हम लोगों को मसनू तरीके से देख सके जितनी अल्लाह ताला ने हम लोगों को इन इलाकों मरी सवात नरान कगान इन इलाकों में दी हुई है, इस्लामाबाद हो गया। तो गाइस हम लोग ऊपर चढ़ तो आए हैं, लेकिन बहुत ही ये रिस्की रहा, बहुत ही मुश्किल काम रहा, हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। मेरे भाई साहब अब सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं, ज़्यादा से सेल्फियाँ नहीं खिंचवा रहे हैं या यहाँ पर सांस निकाल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तकरीबन करीब ही है अब पॉइंट, हमारी मंजिल भी अब करीब ही है, इंशाल्लाह हम जल्द पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। बहुत ही ऊंचा मुकाम है, फिर हम लोग अपना सफर शुरू करते हैं, चलते हैं। गो गो हां सही गो गो अरे गो मगर चल सही है, इस उड़ पसीना आंदा है। क्या बात है, ऊपर से बारिश हो रही है और नीचे से हम लोगों को पसीना आ रहा है। कोई बात करने वाली बहुत डर लग रहा तो काफी ज्यादा तो ये हमारा एक पॉइंट आ चुका है, यानी कि पहला पॉइंट था ये यहाँ पर, ये पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये था करामत उनके, यानी कि इमाम बड़ी सरकार के ये करामत बताते हैं कि ये परी को पत्थर बनाया गया था, ये आप लोग पीछे देख सकते हैं। ये जहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ यही है, यहाँ पर हम कर तो नहीं सकते, लेकिन बता रहा हूँ कि यही है वो जिस परी को इमाम बड़ी सरकार ने पत्थर बनाया था। तो अब हम लोग उनके चिलागा की तरफ जाते हैं। हम लोग गाइस तकरीबन ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग मुकम्मल तो नहीं ऊपर आए, लेकिन हम लोग तकरीबन काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर भी अभी हमारा सफ़र कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर भी अभी हमारा यानी कि जो रास्ता है वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी हम लोगों को यहाँ से भी पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ेगा और आगे। तो जी गाइस हम लोग बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, आप लोग व्यू कर सकते हैं, इस मुकाम पर हम लोगों को जाना था और हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सख्त मुकाम है, रास्ते में ठहर ठहर कर आना पड़ता है। उफ।
और आप लोग पीछे व्यू भी कर सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा नज़ारा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है, अल्लाह कुदरत बहुत ही माशाल्लाह शानदार, बहुत वसी है। ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग पहले यहाँ पर कहा गया था का यहाँ के बंदरों की मकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को नीचे बंदर नज़र नहीं आए, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा मकदार में बंदर है, उनसे मिलते हैं फिर। अब प्लेन जगह आई, अब सुख सांस आया, पहले तो मारे गए थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, अभी तक चिला गाय इससे भी ऊपर है, लेकिन हम लोग जो ऊपर दरबार बना हुआ वहां तक पहुंच चुके हैं। ये आप लोग यहां से व्यू कर सकते हैं कि ये हम लोग अब बहुत मुश्किल लगा यहां पर आते आते, लेकिन अभी इससे भी ऊपर जाना है, वहां पर हम लोग कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके चीला गाय गार के अंदर जाना है, वहां पर कैमरा इस्तेमाल करने का मना किया गया, इसलिए हम लोग कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि वो जो ऊपर आप लोगों को पहाड़ी नज़र आ रही, हम लोगों को वहाँ जाना था, तो हम लोग पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत सैर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं। हमारे साथ एक बंदा बैठा हुआ, वो कहता है इस इलाके में या तो पठान रहते हैं या फिर बंदर रहते हैं। उसको हमने बोला भी कि ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते होते, यहाँ पर बंदर तो वैसे ही माशाल्लाह ज़्यादा मकदार में होते हैं, क्योंकि इनकी वजह ये होती है कि यहाँ पर इस इलाके में दरख्त ज़्यादा होते हैं, पहाड़ी इलाके में वैसे भी दरख्त ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर बंदरों की किस्में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मुझे तो लगता है उसकी बात सही थी कि यहाँ पर पठान ही होंगे और बंदर भी होंगे, उसकी बात सच निकली। और यहाँ पर हम लोगों को इनके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर ये बैठ कर पापड़ खा रहे हैं, कहीं पर ये बैठ कर कुछ कर रहे हैं, पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ, ये भी यहाँ पर आकर नज़ारा करते हैं। और नज़ारा यही नहीं, नज़ारा करते ये यहाँ से लोगों को भी पीटते हैं बहुत ज़्यादा, अगर इनको कोई चीज़ ना दे तो ये उनके बहुत ही ज़्यादा खूर पै जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं चने खा रहे हैं, ये मुझे लगता है इनको पीछे से किसी का डर है, बहुत जल्दी से खा रहे हैं, मुझे लगता है पीछे से एक और आ गया और ये तो लेके भाग गया, वो पैकेट लेके नाच गया, पीछे से आया उसका दोस्त तो वो सारा पैकेट चनों का उठा कर ले गया, इतनी तो समझ इनको है, ये जो पड़े हुए हैं ये खाएगा और ये भी मुझे लगता है उसके पीछे जाएगा, पीछे जाकर उस पर भी ये हमला कर देगा। ये आप देख रहा है कि वो कहाँ गया, हम लोगों ने सोचा कि शायद वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो तो सच कह रहा था कि यहाँ पर बंदर मकदार बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं कि हर तरफ बंदर ही बंदर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ी बकरे होते हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, हर तरफ बंदर ही बंदरों का नज़ारा है। वो सामने जो ब्लैक बैठा हुआ वो जी है बकरा, पहाड़ी बकरा, तो उसके आगे जी आप देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं जनाब बंदर साहब, जो कि पापड़ खोल कर खा रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर पापड़ खाए जा रहे हैं मज़े से, इनको भी और कोई काम नहीं होता यहाँ पर खाने पीने के अलावा, और लोगों को तंग करने के अलावा इनको भी कोई काम नहीं होता, लोग डरते डरते इनको अपने हाथ में जो भी चीज़ होती है वो इनको डाल देते हैं या स्पेशली लेकर ही इनके लिए आते हैं, क्योंकि ये लोगों को तंग बहुत करते हैं, बैठे ऐसे होते हैं जैसे इनके यहाँ पर ड्यूटी किसी ने लगाई हो या किसी ने यहाँ पर इनको कहा हो कि आपने इधर ही बैठना है, अटल होकर बैठते क्योंकि इनको पता होता है कि रास्ते में हम लोगों को यहाँ से चीज़ मिलनी है। नो 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 तो गाइस हम लोग तकरीबन फुल ऊपर पहुँच चुके हैं, आप लोग पीछे से भी व्यू ले सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना प्यारा पिछला मौसम लग रहा है, या कितना प्यारा, हमारी तो बस फट गई। बहुत ही ख़तरनाक काम है, बहुत मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़े, इतना ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं इसमें पहाड़ भी आ रहे हैं, पहाड़ ये सबसे बड़ा पहाड़ मुझे लग रहा है जिसको अबूर करके हम ऊपर पहुँचे, अभी तक भी ये बड़ा पहाड़ ऊपर था बहुत बड़ा है, लेकिन नीचे से हम सब व्यू कर सकते हैं तकरीबन, जो सारा है छोटे छोटे जो पहाड़ हैं वो हम लोग सारे व्यू कर सकते हैं, हम लोग अगले जाना मंजिल की जाना चलते हैं, क्योंकि अभी तक भी गार के में नहीं पहुँचे, अब हम लोग कुछ थोड़ा सा सफ़र नीचे की जानब करेंगे, यानी कुछ थोड़ा सा नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जी ऊपर चढ़ेंगे,
हम लोग देख सकते हैं। वहाँ से हम लोगों ने फिर ऊपर चढ़ना है। पहले तो हम लोग नीचे उतरते हैं, बहुत ख़तरनाक बात है। एक तो यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है। ओहो, अच्छा ठीक है, इख्तदार भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि माशाल्लाह बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वो देखें वो खेल रहे हैं। ये बैठा हुआ, ये मुझे लगता है अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। चाचा चेक कर, माँ पुत्र हैं जी, पता प्यो पुत्र है, नहीं नानी दोतरा है। हाँ नानी दोतरा, नानी दोतरा है। हाँ प्यार के डाइन है। ओह बंदर तो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग भी आगे चलते हैं या नाम के हम बंदरों में घुल मिल जाए। ओए 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 आए 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 आए। तो जी आप लोगों ये चीज़ें जो मैं आज देख रहा हूँ, यानी कि हम लोग फुल ऊपर आ चुके हैं, अभी तक फुल तो नहीं बनाई हुई चीज़ें, लेकिन हमारी जो मंजिल थी हम लोग के ऊपर फुल आ चुके हैं। ये मैं हम लोगों ने तो पहले मैं कभी नहीं यहाँ पर आया, ये तो पहले हम लोग किताबों में मंजर देखते थे या फिर इसके अलावा हम लोग टी वी में देख लिया करते थे या फिर मोबाइल में देखते थे, लेकिन आज जो हम लोग लाइव देख रहे हैं इसका मज़ा और है। यहाँ से अब जाने का दिल तो नहीं करता, यहाँ से माशाल्लाह मंजर इतना प्यारा है, आप लोग सारा व्यू कर सकते हैं। यहाँ से मंजर इतना प्यारा लग रहा है तो यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं करता। यहाँ से हम खड़े होकर सारे घर सारा चीज़ देख सकते हैं, यानी कि घर क्या हम लोग जो हमसे हमारे पहाड़ से छोटे पहाड़ है, हम लोग वो भी व्यू कर सकते हैं। जो जिस पहाड़ पर हम लोग आए हैं वो सबसे बड़ा पहाड़ है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे चल कर हम लोग नीचे का नज़ारा ये नीचे भी सैर करते हैं। यहाँ पर पहाड़ ऊपर जाना मुश्किल होता है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो पता चलता है कि इंसान ने 20 गियर फिट कर दिए गए और डायरेक्ट लग भी 20 में जाता है गिरे। ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नीचे उतरना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। जी हम आज घूमने आए हैं, हमारे घोड़ों में दर्द हो रही है। ताली ताली आज मारी। आते वक्त हमारे जी जो घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होती है, लेकिन जाते वक्त तो मैं पहले बता चुका हूँ 20 गियर पूरे फिट कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई धकेल रहा है और बहुत ही शदीद। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। गाइस हम लोगों ने वापस जाते हुए भी आधा सफर तय कर लिया है और अब हम लोग तकरीबन दरबार पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर हमारी बस खड़ी हुई है, अब बस पर बैठे के घर जाएंगे। जो हमको रास्ते में मिल रहे हैं यानी कि जो अभी तक जा रहे हैं, हम लोग को कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, लेकिन यहाँ से तकरीबन मेरे अंदाजे में भी 15-20 किलोमीटर पक्का बन जाता है, जो कि पैदल चल कर जाना पड़ता है और वो भी ऊंचाई पर चल कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल की साउंड भी चेंज हो जाती है, जो गैंग करता है वो पैंक करने लग पड़ता है, वाल्ट वाइप भी बस कर जाता है, जो कि सब मोटरसाइकिलों का बाप है वो भी यहाँ पर बस कर जाता है, क्योंकि ऊंचाई ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मोटरसाइकिल क्या करें, और यहाँ पर वो मोटरसाइकिल कुछ नहीं कर सकते, उनका इंजन होता है, हमारा तो इंजन भी नहीं है, हम क्या करें यहाँ पर। फिर हमारे तेरे बाप को मत सिखा चल। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से तो ये बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा, ये आप लोग देख सकते हैं करीब नज़र आ रहा है, हम लोग यहाँ से नीचे आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जो नया आने वाला बंदा उसको तो लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन हमसे पूछे हम पर क्या बीत थी। तो गाइज हम लोग लंगर खाने पहुँच चुके हैं, यानी कि हम लोग दरबार में आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे लंगर करने के लिए, हम लोग पुरजोश हैं लंगर करने के लिए, और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर लंगर करने के लिए, हम भी लंगर करेंगे। लंगर करने के बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे।